हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं मैदे के फ्राइड मोदक बनाऊंगी। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले, जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर दें, लाइक कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मोदक बनाने के लिए कुछ ड्राई फ्रूट ले लिए, नारियल का बुरादा ले लिया, 200 ग्राम खोया ले लिया, 4-5 चम्मच चीनी पिसी हुई, 250 ग्राम मैदा ले लिया, 3 चम्मच घी ले लिया। ड्राई फ्रूट्स को कट कर लेंगे। एक बाउल लेंगे, उसमें खोया निकाल देंगे, फिर चीनी डाल दूंगी, कसा हुआ नारियल, फिर ड्राई फ्रूट डाल देंगे, अब इसको अच्छे से मिला लेंगे। इसमें पिसी चीनी ही यूज करनी है। तो फिलिंग बनके तैयार है। अब एक बर्तन लेंगे, उसमें मैदा डाल देंगे, अब घी डाल देंगे, अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मैदा और घी अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक डो तैयार करेंगे। डो बन के तैयार हो चुका है। अब इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, डो बन के तैयार है। अब डो से हम छोटी छोटी बॉल तैयार कर लेंगे। अब इसकी हम छोटी छोटी पूड़ियां तैयार करेंगे। अब इसमें हम फिलिंग भरेंगे। अब इसमें हम मैदे का घोल बना लिया था, उसको लगा देंगे। अब इसको चारों तरफ से मोड़ते हुए मोदक का शेप देंगे। तो देखिए मोदक तैयार है। इसी तरीके से सारे मोदक बना लेंगे। अब कढ़ाई में तेल डाल देंगे। तेल गर्म हो चुका है। अब इसमें एक एक करके मोदक डालेंगे। अब इन सबको चारों तरफ से घुमाते हुए फ्राई करेंगे। देखिए मोदक बनके तैयार है। इसी तरीके से सारे मोदक बना लेंगे।
तो देखिए गणपति बप्पा के मनपसंद भोग बनके तैयार है। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।